और अभी तक जो बड़े सवाल हमने आपसे पूछे और जो जवाब हमें मिले वो फिर से एक बार आपको बता दें। हमने सबसे पहला सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है आपकी और किस चेहरे को आप कितना पसंद करते हैं, और जो जवाब आपने हमें दिया वो ये रहा। 42% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया, 35% लोगों ने अखिलेश यादव को अपनी पसंद बताया मुख्यमंत्री के तौर पर, मायावती को पसंद करने वाले थे 14% ही सब थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को 4% और जयंत चौधरी को 2%, अन्य के बारे में सकारात्मक रुझान दिखाने वाले मात्र 3% लोग। अब आपको बताते हैं कि वोट फीसद क्या था, किसको कितने वोट। तो भारतीय जनता पार्टी को इस हफ्ते 41% वोट मिलते दिखाई दिए, अगर अभी चुनाव हो जाए तो लोगों ने कहा कि 41% लोगों ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 34% लोग जो है यहां पर इस हफ्ते वोट करते दिखाई दिए, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5% लोग वोट करते दिखाई दिए इस हफ्ते का। और अब आपको तुलनात्मक अध्ययन आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते का। देखिए आप, पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 40% वोट मिल रहे थे, 1% का इजाफा हो गया है 25 दिसंबर को, 41% वोट इस हफ्ते। ऐसे ही समाजवादी पार्टी को 34% पिछले हफ्ते, कोई परिवर्तन नहीं, इस हफ्ते भी 34% लोग वोट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बसपा की बात करें तो कोई परिवर्तन बसपा के वोट शेवर में नहीं आया है, पिछले हफ्ते भी 13%, इस हफ्ते भी 13%। कांग्रेस के वोट शेयर में भी पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक कोई परिवर्तन नहीं है, 7% पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी 7%। अन्य के हिस्से में पिछले हफ्ते भी 6% वोट दिखाई दे रहे थे, वो घट गए 5%। अवध की बात कर लेते हैं, अवध क्षेत्र में जब हमने सवाल पूछा कि किसको कितने वोट मिलेंगे तो जवाब जो हमें मिला वो इस हफ्ते ये था। इस हफ्ते अवध क्षेत्र में भाजपा गठबंधन को 43%, यानी एनडीए को 43%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 31%, बसपा को 10%, कांग्रेस को 8% और अन्य को 8% वोट मिलते दिखाई दिए। अवध क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अवध क्षेत्र की। बुंदेलखंड में जब हमने यही सवाल पूछा तो बुंदेलखंड में बड़ा बदलाव दिखाई दिया, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक बात दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलते दिखाई दिए, लेकिन सपा को 33% वोट मिलते दिखाई दिए, बसपा को 12%, कांग्रेस को 9% और अन्य को 4%। लेकिन पिछले हफ्ते से इस हफ्ते समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त लीड प्राप्त की, यहां पर 4% की। ये देखिए आप, तुलना हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिल रहे थे, घट गए 42% बुंदेलखंड में, समाजवादी पार्टी को पिछले हफ्ते 29% था, इस हफ्ते 33%, बसपा को 15% पिछले हफ्ते, इस हफ्ते 12% घटा है बसपा का भी वोट शेयर, कांग्रेस को पिछले हफ्ते 8%, इस हफ्ते 9% कांग्रेस के लिए बढ़ा है, ऐसे ही अन्य के लिए 5%, वो घटकर 4% हो गया है। हम बुंदेलखंड का तुलनात्मक अध्ययन आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, वोट शेयर में कितना परिवर्तन आया है दलगत वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। 18 दिसंबर और 24 दिसंबर के सर्वे के आंकड़ों में बुंदेलखंड में कितना परिवर्तन आया है आप देख रहे हैं इस वक्त। पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल में जब हमने सवाल पूछा कि किसे कितने फीसदी वोट मिलेंगे इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 40% वोट, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के लिए, समाजवादी पार्टी और सहयोगियों के लिए 36% वोट, बसपा के लिए 12%, कांग्रेस के लिए 7% और अन्य को 5% वोट मिलते दिखाई दिए इस हफ्ते पूर्वांचल में। अब बारी आ गई है, जैसा कि हमारा वादा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने का। चलेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, और इस सीट पर अपने अलग अलग समीकरण है, ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। 136 सीटों के लिए सवाल था कि पश्चिमी यूपी में किसे कितना वोट मिलेगा अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो, और आज के हमारे सर्वे के मुताबिक, इस हफ्ते के सर्वे के मुताबिक नतीजे जो सामने आए हैं वो भी हम जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भाजपा प्लस को 40% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी को 33%, बसपा को 15%, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 5% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्जिन यहाँ पर ज्यादा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में। राजेंद्र।